नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है टीवी न्यूज में। इंसान के जीवन में अंतिम संस्कार को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि किसी के अपनों ने ही अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लावा ऋतु के बारिश कुंवर बीरेंद्र सिंह की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है 2 दिन पहले, जब बिमला देवी पत्नी स्वर्गीय कन्हैया अग्रवाल का निधन हो गया। वह शहर के काशीराम आवास में रहती थी, जिसकी सूचना उनकी इकलौती पुत्री को दी गई। हालांकि सूचना देने के कई घंटे बीत जाने के बाद भी उनकी इकलौती बेटी नहीं पहुंची। इस दौरान कुंवर बीरेंद्र सिंह ने पुलिस की मदद से शव का दाह संस्कार किया। कुंवर बीरेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार की सुबह काशीराम आवास कॉलोनी से उनके पास एक फोन आया था। फोन पर ही उन्हें काशीराम आवास में रहने वाली बिमला देवी, जिनकी उम्र 75 साल थी, उनकी निधन की खबर मिली थी। जानकारी के मुताबिक बिमला देवी की एक बेटी है, उनके अलावा इस दुनिया में उनका कोई भी नहीं था। उनकी बेटी की शादी वाराणसी में हुई है। पड़ोसियों के द्वारा इसकी सूचना उनकी बेटी को फोन के माध्यम से दी गई।